मैं तुम सिंधियों की ना मक्कारियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बड़े मीठी जबान के हो। चापलूसियां करना ना तो तुम सिंधियों से कोई सीखे। तुम सिंधी अपनी बेटियों को पहले ही कौन सा पढ़ाते हो? तुम सिंधी कराची पर कब्जा करना चाहते हो और ऊपर से ये सिंधी टोपी, बिल्कुल नमूना लगते हो। दुनिया तरक्की कर गई है और तुम लोग अभी तक शाह अब्दुल लतीफ की दुनिया में जिंदा हो। तुम लोग यही चाहते हो ना कि हम लोग तुम लोगों की तरह सिंधी टोपी अजरक पहनकर ना रोडों पर नाचते फिरें। वैसे जिस सिंधी टोपी अजरक पर तुम लोगों को फख्र है ना, वो हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या सिंधी कौम के लोग इंसान नहीं है या उनको पढ़ने लिखने का हक नहीं है? काश तुम सिंधी कौम का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन जाओ अपने बड़ों से पूछो, जब 47 में वो बेसरो सामान हिंदुस्तान से इस धरती पर आए, लेकिन सिंधी कौम ने ये नहीं पूछा था कि तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारी कौमियत क्या है, और आज तुम पढ़ लिख गई हो तो उन्हीं सिंधियों से नफरत कर रही हो। लेकिन तुम जैसे छोटी सोच रखने वाले लोग सिंधी कौम के आगे आने में एक बहुत बड़ी दीवार है। तुम जैसे नस्ल परस्त लोग नहीं चाहते कि सिंधी लोग पढ़ लिख कर तरक्की करें, क्योंकि हम सिंधी नस्ल परस्त नहीं है, हम मोहब्बत परस्त हैं। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, ये सिंधी कौम की पहचान है। मैं एक सिंधी होने के नाते अपनी तसलील का बदला तो नहीं लूंगा, लेकिन तुमने इन बच्चों के जहन में जो नस्ल परस्ती और अदम मसावात का जहर भरा है और सिंधी कौम को जो बुरा भला का है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी।